गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है सौरभ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब व्लॉग। और आज का वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट लखनऊ से। जी हां, हम लोग आ गए हैं गुड़गांव से लखनऊ। और इस बार लखनऊ आने का पर्पस है कुछ स्पेशल, जो कि हम आपको थोड़ी देर बाद अभी इसी व्लॉग में बताएंगे। और फिलहाल आज है शकट पूजा। जी हाँ, आज है शकट पूजा। शकट पूजा के दिन लेडीज़ व्रत रहती हैं अपने बच्चों के लिए, तो आज मम्मी और साक्षी दोनों का ही व्रत है। और आपको ऐसे ही घूमते हुए दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत घर। पिछले व्लॉग्स में आपने देखा ही हुआ ही है घर हमारा लखनऊ वाला। सो ये देखिए, गोबर के कंडे वंडे जलाए गए हैं, पूजा स्टार्ट होने वाली है। और इस पूजा में निराजल पूजा होती है, ये पानी भी नहीं पीते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं ऑब्वियसली। और जब रात में चांद निकलता है तब ये व्रत तोड़ा जाता है पूजा वूजा करने के बाद। सो मैं कई चक्कर लगा चुका हूँ, जा के चांद देख के आया हूँ, बट चांद निकल नहीं रहा था। सो फिलहाल पूजा स्टार्ट हो गई है, व्रत टूटेगा चांद देखने के बाद। थोड़ा बहुत करवा चौथ टाइप का व्रत ही है, बट ये वही है बच्चों के लिए रखते हैं। मम्मी तो हर साल ये रखती ही हैं ये व्रत, और अब साक्षी भी रहने लगी है। एंड चीकू इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे भी, लखनऊ में भी खूब सारा। इनके सारे टॉयज़ यहाँ पे रखे हुए हैं बहुत सारे, तो फिर इनके मज़े ही हैं। ये देखिए, येलो ट्राईसाइकिल जो इनके फर्स्ट बर्थडे पे इनको मिली थी, वो लखनऊ में ही है, तो जब भी आते हैं तो ये इसको चलाते हैं। सो गाइस, नीचे पूजा हो चुकी है और मैं छत से देखकर आया हूँ, चांद भी निकल गया है। तो मम्मी और साक्षी अभी ऊपर चल रहे हैं। अब यहाँ पे चांद देख के जो भी अर्घ देते हैं और फाइनल पूजा वूजा करते हैं, फिर व्रत तोड़ेंगे ये लोग अपना। और वो देखिए, आसमान में छोटा सा चांद दिख रहा है, बड़ी मुश्किल से आज चांद निकला हुआ है। The next day. And guys, next day हो चुका है और आज आ रहा है हर्षा गुड़गांव से। तो हर्षा घर पहुंचने वाला है और मैं आया हूँ यहाँ पे जलेबियाँ लेने, जलेबी कचौड़ी वगैरह लेने के लिए आया हुआ हूँ स्पेशल नाश्ते के लिए। और यहाँ पे हम रेडी कर रहे हैं चीकू को। और अब फाइनली मैं आपको बता देता हूँ हमारे लखनऊ आने का कारण और हर्षा के भी लखनऊ आने का कारण। बेसिकली सृष्टि की शादी है और शादी के लिए स्पेशली हम लोग आए हुए हैं। मम्मी पापा चीकू के बर्थडे के लिए गुड़गांव आए थे, तो हम लोग साथ में लखनऊ आ गए हैं एक साथ। और हर्षा आज ही आया हुआ है। सो अभी आज रात में सृष्टि की शादी है, तो अब हम लोग रेडी हो रहे हैं, चीकू को रेडी किया है एंड हम चलेंगे के वेडिंग लोकेशन पे, जो कि है राजपुताना लखनऊ में ही। एंड चीकू का ड्रेस देखिए आप।
सो गाइस, घर से हम लोग निकल चुके हैं और हमारे घर से ऑलमोस्ट आधे घंटे का रास्ता है सृष्टि की शादी के वेन्यू का, जो कि है राजपुताना। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं वेन्यू पे, राजपुताना पे, और बहुत ही खूबसूरत सा डेकोरेशन दिख रहा है बिल्कुल ही गेट पर ही। और ये देखिए लिखा है यहाँ पे सृष्टि एंड रोहित। सो एंटर करते हैं हम लोग और बहुत ही खूबसूरत सा डेकोरेशन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो बहुत देर तक तो हम लोग गेट पे ही देखते रहे, डेकोरेशन वगैरह फ़ोटोज़ खिंचाते रहे। अब चलिए अंदर चलते हैं और अंदर का भी माहौल देखते हैं। एंड सबसे पहले हम आए सृष्टि से मिलने के लिए, एक बार सृष्टि से मिल लेते हैं उसके बाद फिर बाहर चल के एंजॉय करेंगे, क्योंकि फिर बहुत बिजी हो जाएगा सब कुछ और फिर पता नहीं हम सृष्टि से मिल पाएंगे कि नहीं। सो गाइज, बारात आ चुकी है और ये देखिए हो रही है द्वार पूजा, और थोड़ा सा डिले हो गया है, रात थोड़ी ज़्यादा हो गई है, ये सब बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। और काफ़ी ठंडा भी हो रहा है और क्योंकि ओपन वेन्यू है। तो गाइस, बहुत ज़्यादा समय लेने के बाद वो घड़ी आई है जिसका सब लोग वेट कर रहे थे, दुल्हन आ चुकी है।
सो गाइज अभी जयमाला हो चुका है और 12 से ऊपर टाइम हो चुका है, काफ़ी लेट हो गया है। चीकू जगा हुआ है, यहाँ पे ओपन है और काफ़ी ठंडा भी हो रहा है, तो हमने डिसाइड किया है कि अब हम चलेंगे घर वापस, क्योंकि वैसे भी फेरे वगैरह होने में तो बहुत समय लगेगा। नेक्स्ट डे हो गया है गाइज, एंड साक्षी आई हैं अपने फेवरेट मार्केट भूतनाथ मार्केट में शॉपिंग करने, लखनऊ आए हैं तो ये तो बनता ही है। और इसी के साथ ही एंड करते हैं आज का ये व्लॉग, एंड आई होप कि आपको सृष्टि के शादी का स्पेशल व्लॉग अच्छा लगा होगा। और मक्खन मलाई दिखाते हुए आपसे लेते हैं अलविदा, आपसे मिलेंगे अगले नेक्स्ट बहुत ही एक्साइटिंग से व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।